हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट की, वस्तु विनिमय के लिए दोहरे सहयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक। तो इससे मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। और राम जो है बेसिकली आम लेके आया है और श्याम जो है वो सेब लेके आया है। तो यहां पे ये दोनों वस्तुएं हैं। यदि राम को सेब चाहिए होगे और श्याम को आम चाहिए होगे, तभी इनमें जो है विनिमय हो पाएगा, यानी कि इनमें सौदा हो पाएगा। यदि राम को सेब नहीं चाहिए या श्याम को आम नहीं चाहिए, इन दोनों में से किसी को एक चीज नहीं चाहिए ये चीजें, तो ऐसे में वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगी, यानी कि ये जो सौदा है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी सीमा जो है वस्तु विनिमय की ये है। और अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, जहां पे धन या मूल्य को के संचय में कठिनाई। संचय का मतलब तो स्टोरेज करना। तो देखो, धन को हम स्टोर कर सकते हैं, परंतु वस्तु विनिमय के केस में हमें वस्तु को स्टोर करने में या रख रखाव में काफी मुश्किल आती है। और ये भी कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय की एक कहीं ना कहीं सीमा है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। और तीसरे पॉइंट में विभाजन वस्तुओं का विनिमय कठिन। तो इससे अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको हम विभाजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक घोड़ा ले लेते हैं, तो अगर हम घोड़े को सेल कर रहे हैं या विनिमय कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको विभाजन करना काफी मुश्किल होता है। और वस्तु विनिमय में ये कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। चौथा पॉइंट है वस्तुओं को भविष्य में उपयोग के लिए कठिन। मतलब बेसिकली कुछ ऐसी वस्तु भी होती है जो एक लंबे समय तक नहीं चल पाती और भविष्य में इसको उपयोग करने में कठिनाई आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम टमाटर ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है, वो आने वाले समय में कुछ महीने या हफ्ते तक ही चल पाते हैं और वो खराब हो सकते हैं। तो ये एक वस्तु विनिमय में एक सीमा होती है। तो अब हम बात करेंगे अपने पांचवे पॉइंट की ओर, सेवाओं का मूल्य निर्धारण एवं विनिमय में कठिनाई। जी हाँ, वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उसका मूल्य निर्धारण करना एवं एक्सचेंज करना या विनिमय करने में काफी मुश्किल आती है। तो ये है इसका पांचवा पॉइंट, जिसमें कि वस्तु विनिमय में एक सीमा के तौर पर आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।